हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया क्या है कि दो बीकर हैं आपके पास, ए और बी, ठीक है। एक क्लोज्ड वेसल के अंदर दोनों बीकर रखे हैं और आपको दोनों बीकर का वजन दिया है और दिया है कि दोनों बीकर के अंदर क्या क्या घुला हुआ है और कितने ग्राम घुला हुआ है, और आपको बताना है इक्विलिब्रियम के ऊपर पहले बीकर में यूरिया का मास परसेंट क्या होगा। ध्यान से देखो, आपको दिया है कि 10 ग्राम यूरिया पहले बीकर के अंदर घोला हुआ है और 18 ग्राम ग्लूकोज दूसरे बीकर के अंदर डिजोल्व कर रखा है। पहले बीकर का वजन है 190 ग्राम और दूसरे बीकर का वजन है 198 ग्राम। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन में दो तीन चीज़ें आपको एज्यूम करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है, कि जिन बीकर के अंदर घोला है क्या दोनों बीकर का वजन सेम है, यानी खाली बीकर का। खाली बीकर का भी कुछ तो वजन होता होगा ना भाई, तो वो खाली बीकर का वजन अलग अलग है या सेम है। तो हम मान के चलेंगे सेम है क्योंकि कुछ कहा नहीं है इस बारे में, ठीक है। और दूसरा कि ये जो वजन दिया है ये पूरे बीकर का दिया है सॉल्यूशन के समेत या सिर्फ सॉल्यूशन का दिया है, तो इसमें हम मान के चलेंगे कि ये जो वजन हमें दिया गया है ये सॉल्यूशन का है क्योंकि बीकर का तो वजन दिया ही नहीं है। तो ठीक है, तो हम ये दो चीज़ें अज्यूम करके चलनी पड़ेंगी तभी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स जो हमें अज्यूम करके चलनी पड़ेंगी क्योंकि आप ज़्यादा डीप में सोचोगे तो ये क्वेश्चन कभी नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो सरफेस लेवल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तब क्या कंडीशन होगी वो हमें निकालनी है। उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम कुछ चीज़ें निकालते हैं। ये हमारे पास बीकर ए है, ये हमारे पास बीकर बी है। बीकर ए के अंदर सॉल्यूशन का वजन है 190 ग्राम और यूरिया कितना है इसके अंदर, 10 ग्राम। यूरिया का जो मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर जो वेट होता है यूरिया का, वो होता है 50 ग्राम पर मोल, ठीक है। एक्चुअली मोलिकुलर वेट की कोई यूनिट नहीं होती, तो आपको सिर्फ 50 लिखना है। जो मोलिकुलर वेट होता है ग्लूकोज का वो होता है 180, ठीक है। ध्यान रखना, ग्राम मोलिकुलर वेट अगर लिखते हो तो आप लिखोगे 50 ग्राम पर मोल। मैं मोलिकुलर वेट लिख रहा हूँ इसलिए कोई यूनिट नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, यहाँ पे ग्लूकोज अगर 10 ग्राम है 190 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूशन कितने ग्राम है हमारे पास, 180 ग्राम, यानी सोलवेंट कितने ग्राम है, 180 ग्राम। यहाँ पे 18 ग्राम ग्लूकोज है 198 ग्राम के अंदर, तो वाटर का वजन कितना आ गया यहाँ पे, 180 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास पानी का वजन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे सभी चीज़ों के। ये बीकर ए के अंदर देखते हैं, सबसे पहले ये बीकर ए है हमारे पास, ये बीकर बी है, ठीक है। तो बीकर ए के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं, वाटर कितना, 180 ग्राम, और वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18, ठीक है। तो कितने हैं, 10। बीकर बी के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, कितना वाटर, 180 ग्राम, वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18, सो ग्राम मोलिकुलर वेट हो जाएगा 18 ग्राम, और कट के कितना आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल, 10, ठीक है। अच्छा देखो, मैं बोल मोलिकुलर वेट रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर वेट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, यूनिट्स वगैरह का ध्यान मत दो, सिंपल आप लोग नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकालने, यूरिया कितना हमारे पास, 10 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट होता है 50, यानी कि 10/50, यानी 1/5, यानी कितना आ गया, 10.2, ये आ गए मोल यूरिया के। वजन ग्लूकोज का कितना है, 18 ग्राम घुला हुआ है, मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का होता है 180, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 0.1, ठीक है ना, 18/180, 1/10, यानी कि 0.1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोल्यूट क्या है, यूरिया, ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन क्या है पहले बीकर के अंदर, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ मोलिकुलर वेट को। ठीक है, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन बताओ यूरिया की कितनी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया यानी 0.2 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल इस बीकर में कितने हैं, 10 जमा 0.2, यानी कि 10.2। यहां पे मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज की कितनी है, यहां पे मोल फ्रैक्शन है ग्लूकोज की, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल 0.1 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल 10 प्लस 0.1, यानी 10.1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये है एट टी इज इक्वल टू जीरो,
जब हमने जस्ट रखे हैं इसके अंदर कंटेनर के अंदर, तब ये कंडीशन है हमारे पास। मोल फ्रैक्शन यूरिया की है 0.2 डिवाइडेड बाई 10.2 और मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज की है 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1। ठीक है। अच्छा, आपने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर को घटा देता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, ये चीज सभी ने पढ़ी होगी। यानी मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की जितनी ज्यादा होगी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, यानी उसके वेपर कम बनेंगे। अब मोल फ्रैक्शन किस बीकर के अंदर ज्यादा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, यूरिया भी नॉन वोलेटाइल है, ग्लूकोज भी नॉन वोलेटाइल है। पहले बीकर के अंदर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, दूसरे बीकर के अंदर मोल फ्रैक्शन कम है। अगर पहले बीकर के अंदर मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की ज्यादा है तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, यानी वेपर प्रेशर पहले बीकर का कम है, दूसरे बीकर का ज्यादा है। पहली चीज ये, यानी कि इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, इसके वेपर कम बनेंगे। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। दोनों का वेपर प्रेशर सेम कब होगा, जब दोनों के अंदर सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएगी। अब सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन सेम कैसे होगी, देखो ये वैल्यू बड़ी है इसको कम करना है, ये वाली वैल्यू छोटी है इसको बढ़ाना है। तो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन कैसे बढ़ेगी, देखो जहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन कम है, तो यहां से कुछ नंबर ऑफ मोल वाटर निकलेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने, 10.1, इसमें से कुछ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कम हो गए, यहां से उड़ के इस सॉल्यूशन के अंदर आके मिल गए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखो एट इक्विलिब्रियम दोनों की मोल फ्रैक्शन बराबर करनी है सॉल्यूट की, तो यहां से ये था हमारे पास और यहां से ये था हमारे पास। अब ध्यान से समझना, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसके वेपर ज्यादा बनेंगे। यहां पे सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम है, इसके वेपर कम बनेंगे। तो जहां पे वेपर ज्यादा बन रहे हैं वहां से कुछ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकल के इस सॉल्यूशन के अंदर आके मिल जाएंगे। अगर यहां से एक्स निकल के आ गए और यहां पे एक्स मिल गए, तब क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगी। तभी इक्विलिब्रियम आएगा जब दोनों बीकर्स के अंदर सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आई थिंक। अब यहां से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहां पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 की यहाँ पे कर दो, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 20.2 माइनस 2x इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 10.2 प्लस x। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आओ 10.2 को और 2x को उस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x इक्वल 10.1 आ जाएगा वापस से, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.1 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आ गए जो ट्रांसफर हो गए, कहां से कहां, बीकर 2 में से बीकर 1 के अंदर ट्रांसफर हो गए नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कुछ। ठीक है, ओके, तो यहां तक आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ट्रांसफर कितने हो गए, जो ट्रांसफर हुआ है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10.1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब अगर हमें वजन निकालना है तो क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल इक्वल होते हैं वेट बाई मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो हमें वेट निकालना, कितना ट्रांसफर हुआ तो नंबर ऑफ मोल को मोलिकुलर वेट से गुणा कर दो, तो देखो वेट ऑफ वाटर ट्रांसफर कितना आ जाएगा, 10.1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 18, वाटर का मोलिकुलर वेट होता 18, तो ये 6 पे कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया वेट जो ट्रांसफर हुआ है 60.6 ग्राम। इतना वाटर जो है ट्रांसफर हो जाएगा बीकर ए के अंदर बीकर बी में से, समझ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे बीकर बी में से, यहाँ ग्लूकोज वाले में से किस में ट्रांसफर हो गया, बीकर ए के अंदर, यानी किसके अंदर, यूरिया वाले सॉल्यूशन के अंदर, तो अब यहाँ पे कितना वाटर और आ गया है, यहाँ पे आ गया है 60.6 ग्राम। ठीक है, तो टोटल वाटर का अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पे देखो 180 प्लस 60.6 0 और 240 ग्राम हो गया वाटर। ठीक है,
तो मास परसेंट कितनी हो जाएगी यूरिया की? अब यूरिया का मास कितना है इसके अंदर? 10 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है सोलवेंट का यहाँ पे? ओके, मास परसेंट है मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन का वजन। तो टोटल सॉल्यूशन का वजन कितना हो जाएगा? ये तो वाटर का वजन है, 10 ग्राम इसके अंदर यूरिया है, तो टोटल सॉल्यूशन का वजन कितना है? 250.6 × 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मास परसेंट ऑफ यूरिया आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम, कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये मास परसेंट हो जाएगी यूरिया की। क्लियर है? तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिस बीकर के अंदर सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, वहां से कुछ नंबर ऑफ मोल आपको वाटर उड़ाना है और दूसरे बीकर के अंदर ले आना है। यहीं से क्यों उड़ाया हमने? ठीक है, सवाल ये है कि यहीं से क्यों उड़ाया? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, तो अब ये एक सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा आप कितने बीकर लगा सकते हो अभी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर कॉपरेशन।